नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जागरण मंच में, जहां हम सभी लोग लॉ से संबंधित जो रिसेंट लीगल अपडेट होती है उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। उसी चर्चा के क्रम में आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम जुड़े हुए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से संबंधित है, एक आदेश से संबंधित है, जो कि एक बहुचर्चित मामला है। लखीमपुर खीरी में जो किसान आंदोलन के दौरान गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू और उनके साथियों की गाड़ी उस भीड़ पर चढ़ गई थी, जहां पर कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। उस मामले में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद फिर फरवरी माह में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनको जमानत दे दी थी और उस जमानत के आदेश के खिलाफ पुनः सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई और सुप्रीम कोर्ट ने में याचिका जाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था उसके संदर्भ में आज का ये वीडियो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो प्रारंभ करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, चैनल को लाइक करिए और वीडियो शेयर करिए। आइए बिना विलंब किए वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, कि जैसा कि इस मामले जो ये मामला है, जो ये केस है, इसका नाम है जगजीत सिंह वर्सेज आशीष मिश्र उर्फ मोनू एंड अदर्स। यह एक क्रिमिनल अपील 632 नंबर इसका था, 632/2022 यह सुप्रीम कोर्ट में आई सुनवाई के लिए, जिसका यही विषय था कि क्या जिन विषयों पर या जिन मेरिट और डिमेरिट्स के आधार पर हाई कोर्ट इलाहाबाद ने आशीष मिश्र मोनू की जमानत मंजूर की है, क्या वह ठीक है, क्या वह उचित है, ये डिस्कशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में यह विषय आया। और सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कशन के दौरान सबसे पहली बात जो ऑब्जर्व की, उन्होंने कहा कि वी कांट टेक एनी एक्यूज्ड इन ए कंटिन्यूअस कस्टडी ड्यूरिंग द ट्रायल। मतलब कि सुनवाई के दौरान जब ट्रायल लंबित है मामले का और उस ट्रायल के दौरान कभी ना ख़त्म होने वाला जो हिरासत होता है, इसमें हम किसी को नहीं रख सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 21 है, इसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है आर्टिकल 21, और यह फंडामेंटल राइट है और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स की जिम्मेदारी है कि वह व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। और इसी क्रम में उन्होंने यह कहा कि यह जो जमानत थी और जिन गुणों के आधार पर या यह कहें कि जिन विषय वस्तुओं को देखते हुए यह जमानत दी गई थी, उसे उन्होंने अनरीजनेबल करार कर दिया और उन्होंने कहा कि यह रीजनेबल नहीं है, यह प्रासंगिक नहीं है और इन विषयों के आधार पर किसी को जमानत देना ठीक नहीं है। और आइए देखते हैं कि इस मामले में और क्या कहा। उन्होंने यह साथ में यह भी कहा कि यह जो जमानत कैंसिल हुई, इस जमानत के कैंसिल होने को यह माना जाएगा कि एक अनिश्चित काल के लिए जो जमानत पाने का अधिकार है वह समाप्त हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस बेल एप्लीकेशन को वापस हाई कोर्ट को भेज दिया है। और साथ ही साथ देखिए, और कुछ जो प्रेसिडेंट्स थे, कुछ पूर्व के जो मामले थे, उनका भी उदाहरण सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिया और उसको देने के साथ साथ उन्होंने कहा कि क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है इसलिए यह कोर्ट फिर से इस निर्णय पर पहुंच रही है। उन्होंने एक जस्टिस सूर्यकांत थे, उनके एक निर्णय को कोट किया कि वेयर देयर द लीगल प्रोविजंस क्लियरली नॉट सपोर्टेड द बेल, उस स्थिति में भी कभी कभी बेल देना आवश्यक होता है जहां पर जो विधिक प्रावधान है वो भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं बेल को, वहां भी कभी कभी आरोपी को बेल मिल जाती है। क्योंकि भारत में उन्होंने कहा कि जो लीगल प्रोविजंस है, जो लॉ की जो समझ है, जो लॉ लोगों को जैसे कहें कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण जो अनुच्छेद 14 के तहत भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में फंडामेंटल राइट के रूप में गारंटीड है, उसके उसको लेकर के उन्होंने कहा कि क्योंकि यह ऐसा है इसलिए भारत में जो कानून है वह जब से कोई अपराध हुआ, उसका मामला 154 में दर्ज हुआ FIR और उसकी सुनवाई चल रही, जब तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है, उसके जो परिसीमन अवधि में जो अपील के लिए, रिविजन के लिए, इन सारी चीज़ों में जो अवधि तय की गई है, उस जब तक वो अवधि जो है वो क्रॉस नहीं हो जाती है और कोई भी पक्षकार उसका अपील नहीं करता है और किसी प्रकार की कोई सुनवाई किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होती है, तब तक व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है।
इसलिए इस प्रकार के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक गैर कानूनी गतिविधियों का रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत मामलों में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि लंबे समय तक कारावास की अवधि के बाद या किसी अन्य वैध कारण से इस प्रकार के कड़े प्रावधान हल्के हो जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 हर व्यक्ति को व्यक्ति के स्वतंत्रता की गारंटी देता है, उसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता मीन्स कि वह जो उसको जो देह मिली है उस देह का वो अपने हिसाब से उपयोग कर सके, उसका आनंद उठा सके। और अगर आप किसी को, जबकि आप उसको निर्दोष मानते हैं, कानून उसको निर्दोष मान रहा है, ऐसी स्थिति में भी आप उसको एक अनिश्चित काल के लिए जेल में रखते हैं तो यह उचित नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने एक और मामले के बारे में कहा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के ए नजीब। इस मामले में भी उन्होंने कहा कि इन दिस केस द कोर्ट ग्रांटेड द बेल ऑफ ए अक्यूज्ड ऑफ UAPA एक्ट विच वॉज अंडर ट्रायल फ्रॉम मोर देन 5 ईयर्स। कहने का मतलब ये है कि UAPA जैसे गंभीर जो अधिनियम है, इनके जहां किसी व्यक्ति को जमानत नहीं मिलती है, उसमें भी कोर्ट ने इस मामले में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के ए नजीब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, क्योंकि वहां पर जो ट्रायल था वो पिछले पांच सालों से लंबित चल रहा था और किसी भी निर्णय तक कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे थे। तो ऐसे मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ज्यादा टाइम तक पेंडेंसी हो गई थी ट्रायल की, इस कारण से भी बेल ऐसे मामलों में भी दिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि बेल यहां पर अपने यहां जो भारत में है, बेल इज राइट एंड जेल इज एक्सेप्शन, ये भारत में सर्वमान्य विधि है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट यहां चल रही है, नेचुरल लॉ है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह कहा कि कोर्ट को यह सुनिश्चित करने का अधिकार सौंपा गया है कि ना तो किसी आरोपी का लंबित विचारण के दौरान जमानत का अधिकार छीना जाए और ना ही पीड़ित या राज्य को ऐसे जमानत का जो आवेदन है उसके खिलाफ अपील करने से रोका जाएगा। मतलब किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और पीड़ित जो पक्षकार है उसकी सुनवाई भी होना आवश्यक है, क्योंकि इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो जमानत, जब सुप्रीम कोर्ट, जब हाई कोर्ट ने जमानत ग्रांट की थी, तो उस समय जो पीड़ित पक्षकार थे उनके पक्ष को सुना ही नहीं गया था कोर्ट में। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के धारा 2WA में विक्टिम शब्द डिफाइन किया गया है, उस विक्टिम के राइट ऑफ हियर में, क्योंकि ये एक नेचुरल जस्टिस पर भी लागू है, साथ ही साथ ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत भी गारंटीड है, इसलिए उन्होंने कहा कि राइट टू हियर जो है वो फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ केस टिल द जजमेंट, पूरे इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जहां भी आवश्यकता होगी जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसकी उसकी बात सुनी जाएगी, या यूं कहें कि प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक चरण की सुनवाई के दौरान विक्टिम के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा और उस विक्टिम के स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए ही न्यायालय कोई ऑब्जर्वेशन करेगा, क्योंकि पीड़ित के अधिकारों की रक्षा करना न्यायालयों का दायित्व होता है। ऐसा कहते हुए जो कि जो हाई कोर्ट थी, उन्होंने जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को आधार मानते हुए जो डॉक्टर्स का ऑब्जर्वेशन था चोट के संदर्भ में, चोट की गहराई के संदर्भ में, चोट की प्रकृति के संदर्भ में, उसको आधार बनाते उन्होंने आशीष मिश्रा मोनू की जमानत ग्रांट की थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि केवल इतनी आधार पर किसी को जमानत दे देना यह अनरीजनेबल है, अपारंपरिक है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने उस बेल को कैंसिल किया और बेल को एक हफ्ते, जो आशीष मिश्रा मोनू है उनको एक हफ्ते के अंदर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया, और साथ ही साथ जो बेल एप्लीकेशन थी उसको वापस हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट को, और कहा कि आप वापस से नए सिरे से इस केस की मेरिट और डीमेरिट का इन्वेस्टिगेशन करिए, उस पर सुनवाई करिए, उस पर बहस करिए, और फिर नए सिरे से सुनवाई करने के बाद फिर फैसला लीजिए। और साथ ही साथ इसमें एक और ये विषय था कि जो काउंसिल थे आशीष मिश्रा मोनू के, उन्होंने कहा कि चूंकि एक बार जिस जज से गलती हो गई है, दोबारा उस जज को उसी विषय की सुनवाई के लिए नहीं रखा जाना चाहिए, तो मैं अदालत से ये निवेदन करता हूं कि बेंच बदल दी जाए। तो इस पर जस्टिस एनवी रमना, जो कि चीफ जस्टिस हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में ये सुनवाई चल रही है, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है और जजों की योग्यता पर संदेह नहीं होना चाहिए, गलतियाँ सबसे होती हैं,
और अगर हाई कोर्ट चाहे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चाहे तो वो इस मामले की बेंच बदल सकते हैं, अगर वो चाहें तो उसी बेंच से कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि किसी एक मामले में अगर कहीं कोई जज से कोई फॉल्ट हो जाता है तो बेंच बदल दी जाए, यह जज की भी तौहीनी है, न्याय की भी तौहीनी होगी। तो इस ये कहते हुए कोर्ट को वापस, इलाहाबाद हाई कोर्ट को वापस उस बेल एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिया और उनको 7 दिन के अंदर सरेंडर करने का निर्देश देते हुए उस बेल को कैंसिल कर दिया जो बेल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फरवरी में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को दी थी। यह थी इस मामले की अपडेट। आगे जो मामला उनके सरेंडर के बाद वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो जो उसके संदर्भ में अपडेट आएगा, जो वापस डायरेक्शन देगी इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो उसके संदर्भ में हम फिर से आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमें विदा कीजिए, नमस्कार।